हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज आपको गुना करने का एक शानदार ट्रिक बताते हैं। और वो ट्रिक ही नहीं, उसमें कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट जानते रहते हैं तो कोई चीज़ ज़्यादा याद रहता है। तो आइए, सबसे पहले जो आज हमारे सामने है 568 गुना 125। कोई दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा ऐसी स्थिति में। दोस्तों, सिंपल सा बात, 125 है ना, आप 8 से इसमें भाग दीजिए, क्योंकि इसको 8 से गुना करने पर ये 1000 हो जाएगा। तो जितना से गुना उतना ही से भाग, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 8 से अगर इसको हम भाग देते हैं, 8 × 7 = 56, 8 से भाग देते हैं हम, 8 × 7 = 56, 8 × 1 = 8, 8 से गुना कर दिए हैं, 1000 हो गया है, ये हमारा हो गया 71000 आंसर। अब देखिए ये कैसे हुआ, एक बात करते हैं, पहले इस सवाल को कर लेते हैं, फिर पूरा कंसेप्ट से आते हैं एकदम पीछे से। देखिए, 8 से भाग देते हैं, तो 8 से भाग देंगे तो 8 × 3 = 24, शेष बचेगा 4, 4 × 9 = 49, 8 × 6 = 48, शेष बचेगा 1, 1 × 10, 8 × 1 = 8, शेष 2, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40। अब हमें 1000 से गुना करना है, इसमें 8 से भाग किए ना, तो बस 1000 से गुना कर दीजिए, अगर 125 125 है तो। अब आपका दशमलव 3 अंक बाद है तो 3 0 नीचे आएगा, यानी इससे कट गया, यही जो बच गया 36 12 5, यही हो गया आपका गुना हो गया बस। अब देखिए, हम एकदम आपको कॉन्सेप्ट से लेकर चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आखिर ऐसा होता कैसे है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात, अगर मान लो कि 8 में हमको 5 से गुना करना है, तो बात रहे 5 का, 25 का और 125 से गुना करने का, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में 5, 25 और 125 से। तो सोचो, इसमें अगर 2 से गुना कर देते हैं तो 10, इसमें 4 से गुना कर देते हैं तो 100, और इसमें 8 से गुना कर देते हैं तो 1000। हुआ क्या, 10, 100 और 1000 से गुना करना बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर बताइए आपको 9 में कहें हम 10 से गुना करने के लिए, तो 9 लिख के 10 बैठा दीजिएगा। अगर हम आपको कहें कि 18 में 100 से गुना करो, 18 लिख के 20 बैठा दीजिएगा, यही काम ना करिएगा, है ना आसान। 1000 से कहते तो इस पर 10 और बढ़ा देते बस। यानी कि हम ये कहना आपको चाह रहे हैं कि जब ऐसा आपको पता है कि 100 10 1000 से गुना करना आसान है, तो देखिए 5 से गुना करना, ऐसे 8 × 5 = 40 होगा, हम जानते हैं, 2 से भाग दे दिए तो क्या हो गया 4, अब बस 0 बैठा दीजिए, क्योंकि 1 5 है तो 10 से गुना, 10 से गुना का मतलब 10। अगर आपको देखिए 18 में 5 से, 2 से भाग दिए 9, 0 ले लीजिए। अब देखिए, हो सकता है कि 18 × 5 = 90 आप जानते हैं, तो आपको लगता होगा कि ये तो आसान था। आइए हम शुरू से आपको लेके आते हैं और सारे सवाल करवाते हैं। 48 × 5 क्या करते आप? आप ऐसे करते, 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 4 × 5 = 20, 4 = 24, 240 लिखते। हम कहते हैं कि जब 5 है तो 2 से भाग, 25 है तो 4 से भाग, 125 है तो 8 से भाग, बस यहां 2 से भाग दे देंगे तो 24 हो गया, 10 बैठा देंगे 240 हो गया। लीजिए 5 है, 2 से भाग दे देंगे 32, 10 बैठा देंगे 320, 5 है, 2 से भाग दे देंगे 42, 10 बैठा देंगे 420। आप कहेंगे अच्छा, ये 84 था तब ना 2 से भाग दे दिया, 85 रहता तब। आइए देखिए, 89 है, क्या करना है, 5 से भाग करना है तो 89 को 2 से भाग दे दीजिए, 44.5 हो गया ना, 44.5, यहां पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया यहां पर, तो 10 से गुना करना है ना, 10 से गुना करना है ना, क्योंकि आपने 2 से भाग दिया है तो इसमें 2 से गुना भी करना होगा, मैथ का तो रूल है ना कि 2 से भाग तो 2 से गुना, तो 5 × 2 = 10 हो गया, 2 से भाग तो इतना हो गया। अब ये 0 को हटाना है तभी दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दशमलव का मतलब है बट्टा में 10, 0 से 0 कट जाता है, इस दशमलव का, ये दशमलव हटता था बट्टा में 10 आता, 10 से 10 कटा, ये 445 जो बच गया यही आपका आंसर हो गया 445। देखिए एक बार फिर से मैं इसको समझाता हूं आपको, देखिए आपको केवल 2 से भाग देना है, तो जब 2 से भाग दिए तो हुआ 44.5, तो 44.5 यानी दशमलव यहां होता, तो अब जब हम 10 से गुना करेंगे
तो क्या होगा दोस्तों, सोचो, यहां 445 बट्टा 10 और गुना 10 होता, काहे कि दशमलव हटाए तो नीचे में एक पर एक जीरो, अभी 10 से 10 कट जाता 445, यानी केवल 10 हटाना, एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव से ही जीरो कट जाता है। देखिए दो से भाग लगाएंगे क्योंकि एक पांच है तो दुइये से भाग, दो से भाग, दो चौके आठ, दो चौके आठ, दो चौके आठ, बस हो गया। आइए दो से भाग दे देंगे, 623 हो जाएगा, एक जीरो बैठा देंगे, समझ रहे ना, काहे काहे कि 1246 है भैया, ए 1246 है और गुना पांच है, तो अगर दो से भाग देकर दो से गुना कर दिया जाए तो कोई दिक्कत, ये आता है 623 और ये आता है 10, तो हो गया ना 62630, ये हो गया ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ रहा होगा। अगला आ जाइए ना, देखिए ना, 88 या 25 है तो आपको पता है ना, पांच रहेगा तो 10 बना लेंगे, 25 है तो 100 बना लेंगे, और 125 रहता तो उसको 1000 बना देते गुना करके। 25 है यानी कि आप 4 से गुना करेंगे तो 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 25 है तो यहां पर 100 आ जाएगा, यानी 2 जीरो हो जाएगा। कंसेप्ट समझ रहे हैं इसका, इसका कंसेप्ट यह हुआ कि 88 गुना 25 है, अगर इसमें हम 4 से भाग देकर 4 से गुना कर देते हैं, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8 22 बार में, अल्लो 25 चौका का कितना हो गया 100, तब 22 गुना 100 कितना हो गया 2200। ये है कॉन्सेप्ट आपका, तो बस अब ये चीज नहीं करना, अब तो माइंड में हो जाएगा, बिना पेन के आप कर पाओगे, नहीं कर देते, यहां 25 है तो 4 से भाग तो 22 आता, 2 जीरो यानी 2200 हो जाता है। तो दोस्तों यहां 25 है तो हम 4 से भाग लगाएंगे तो 4 तिये हमारा हो जाएगा कितना 12, 4 से भाग दे रहे हैं हम तो 4 तिये 12, अब 3 उतरा तो 3 पर भाग नहीं लगेगा तो 0 देकर 4 को भी उतार देंगे, 34 हो जाएगा, तो 4 8 32 शेष बचेगा 2 पर 0 20, दशमलव दे दिए तो 0, अब 4 से तो 4 5 20 खत्म। अब देखिए यहां है 25 यानी कि 25 है तो यहां पर हमें 100 से हो जाएगा गुना, अब इस दशमलव को हटाना है तो 1 जीरो काट देंगे, नहीं क्योंकि दशमलव का मतलब बट्टा में एगो 10, 0 कट गया, अब 10 से गुना 30 85 0 हो जाएगा आपका आंसर, 30 85 0 यही ना, 30850। लीजिए इसको करते हैं, 4 तिये 12, अब यहां पर क्या करेंगे, 4 तिये 12 भाग नहीं लगेगा, 3 उतरे भाग नहीं लगेगा तो 0 देंगे, 36 उतर जाएगा तो 4 9 36, आप 25 को तो 100 बनाए हैं तो 100 बनाए हैं तो 2 जीरो लगा दिए हैं, हो गया आपका गुना, समझ रहे हैं ना, 4 से भाग तो 4 से गुना, 4 से गुना तो 100 हुआ, केवल 4 से भाग दे क्या 100 को हटाना है, बस 0 लगा देना है, 100 से गुना करने का यही मतलब है। अगला देखिए, अगला सवाल, अब 8 वाला हो गया तो दोस्तों 125 को 8 से गुना करने पर 1000 होता है, 125 को 8 से गुना करने पर क्या होता है 1000 होता है, तो जब 5 रहे तो 2 से गुना करके 10 बना लेंगे, 25 रहे तो 4 से गुना करके 100 बनाते हैं, और 125 है तो 8 से गुना करके 1000 बनाते हैं, इसीलिए 5 वाला में हम 2 से भाग देते हैं, इधर 2 से भाग देते हैं, यही 25 वाला रहता है तो इधर 4 से भाग देते हैं, 125 वाला रहता है तो हम 8 से भाग देते हैं, 8 से भाग देंगे 8 एकम 8 और 3 जीरो लिख देंगे, ठीक है, 5 2 से भाग तो 1 जीरो, 4 से भाग तो 2 जीरो, और 8 से भाग तो 3 जीरो उतार देना है। लीजिए 8 दूना 16 या 3 जीरो उतार देना है, नहीं तो सोचिए क्या ऐसे भाग देते, ज्यादा से ज्यादा 16 85 ऐसे करके लिखते, फिर 16 दूना 32, 32 8 40 ऐसे लिखते, आप ऐसे भाग देते, ज्यादा से ज्यादा करते तो 16 5 80, 16 5 80 8, 16 दूना 32 8 40 शेष 4, 16 16 4 20, ये करते, और यहां 16 में 8 से भाग दिया, 8 दूना 16, 3 जीरो उतर गया, 8 चौके 32, 3 जीरो आपका आ गया, बात खत्म है, 8 से भाग लगा दीजिए ना, 8 से अपना मन से भाग दीजिए, लीजिए 8 एकम 8, जरूरी नहीं है कि दशमलव में नहीं हो, 8 एकम 8, शेष बच गया 5, 5 पर 9 59, 8 7 56, 3 3 पर 6 36, 36 तो 8 चौके 32, शेष बचा 4,
क्योंकि 36 से 8 चौके 32 से 4 तो 8 पचे 40 आ 1000 से गुना है आपका, इसका मतलब एक दशमलव हटाना है तो एक जीरो हटाना है 74 45 100, यानी आपका गुना है 74 45 100। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको आज का एक टॉपिक आपको समझ में आ गया कि जब भी हमको 5 से 25 से और 125 से गुना करना रहेगा तो नियम हमारा यही कहता है कि अगर 5 से है तो दूसरे भाग, 25 से है तो 4 से भाग, 125 से है तो 8 से भाग, और इसमें एक जीरो देते हैं, इस वाले में दो जीरो देते हैं, इस वाले में तीन जीरो देते हैं, यही था ना, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करिएगा अच्छा लगा है तो, और कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ऐसी वीडियो हम बीच बीच में लाते रहते हैं, बाकी तो आपका टॉपिक हम पढ़ाते ही रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा कोर्स मेरा चाहिए मैथ का, तो आपको धुरीना ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र 799 रुपया में पूरा कोर्स 10 महीने का है, और उसको 2 साल तक आपकी वैलिडिटी है, पूरे को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।